ग्यारहवीं के छात्र ने कार से दो बाइक सवारों को रौंदा, स्विगी डिलीवरी बॉय की मौत, पिता तिहाड़ जेल में बंद है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर उपेंद्र यादव ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिलकर की है बड़ी मांग। बस सड़क किनारे खड़े टेलर से टकराई, 7 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं भारत को नंबर वन बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ज्ञानवापी केस, वाराणसी की अदालत आज सुनाएगी फैसला, धारा 144 लागू। नागरिक निकाय ने नागरिकों से कुत्तों के काटने के मामले में वृद्धि के बाद पालतू जानवरों को पंजीकृत करने का आग्रह किया। कांग्रेस ने आरएसएस को बनाया निशाना, किया ऐसा ट्वीट जिससे मच गया बवाल, बीजेपी आग बबूला हुई। भारत में पिछले 24 घंटे में 5,221 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का दौरा शुरू। जयपुर में डीएनए टेस्ट के बाद बच्चों को मिली मां की गोद, आपस में बदल गए थे रेशमा और निशा के बच्चे।